अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर फारूक खान है और मैं लिखा के एडमी के प्लेटफॉर्म से आपके पास हाजिर हुआ। जैसे कि आप लोगों को चल पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है और चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आए जहाँ से ड्रॉप किया था हम वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन इज द टेक्नोलॉजी डेट यूजेज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन का करवाना, हाई स्पीड कम्युनिकेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया इस टाइम ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज हम क्या कहते हैं? ग्लोबल विलेज वो होता है कि जैसे कि गांव में सब एक घरों के करीब करीब रहते हैं, ठीक है। एक गांव में एक ही लाइन में 10 घर होते हैं, 20 घर होते हैं। तो अगर वहां पे हमने किसी के साथ रابطہ मुमकिन बनाना हो तो हमारे पास रابطہ बनाना मुमकिन बहुत ईजी हो जाता है। इसी तरह दुनिया में जो ग्लोबल विलेज है, इट थ्रू इंटरनेट हम आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट किसी के साथ भी वर्ल्ड वाइड में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजिंग कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें डेट हम सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में मौजूद डिफरेंट पीपल्स हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो ऑन वन अनदर। मतलब लोग दुनिया में रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज, इट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजली एंड क्विकली। इन्फॉर्मेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ही कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीजेस। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। द डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट द वेरियस इंडस्ट्रीज हैव द मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। दिस मर्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। द इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो एंड वीडियो एक्सेट्रा। हमारे पास जो मैसेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म समझता है, तो हम बाइनरी फॉर्म में डिजिटल कन्वर्जेंस में अपने डाटा को ट्रांसफर करवाते हैं। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है मॉडर्न सिनेरियोस। तो मॉडर्न सिनेरियोस बेसिकली क्या है, जो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन हमारे पास, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं ब्रॉडबैंड बेस्ड कंप्यूटिंग में, जैसे कि सैटेलाइट है, फाइबर ऑप्टिक है, और उसके अलावा मोबाइल फोन है, फैक्स है, ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यूज हो रही हैं। तो आगे कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, उसके बाद मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम जो ऐसी मतलब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह, इट इज़ यूज टू डिवेल्प मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़। मतलब इंसानों की तरह एक मशीन तैयार की जाए जिसमें इंसानों जैसी क्वालिटीज़ हों, जैसे कि कोई लर्निंग, सीइंग, हेयरिंग। उसके बाद हमारे पास है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूज्ड इज अवेलेबल ऑन द वेब। द यूज़र कैन यूज इट बाय कनेक्टिंग द बाय द इंटरनेट। और इसके बाद हमारे पास है ई कॉमर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। मोबाइल कॉमर्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड गुड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फोन। कंप्यूटर एनिमेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएट मूविंग इमेज बाय यूजिंग, जैसे हम कार्टून वगैरह जो होते हैं वो किस पे क्रिएट होते हैं, या एक्शन मूवीज होती हैं वो एनिमेशन पे क्रिएट होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। मल्टी मीडिया, हाइपर मीडिया, मल्टी मीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स।